हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष धवन और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपना सब डोमेन हटा के उस पर अपना कस्टम डोमेन लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर अगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन के लिए साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक कस्टम डोमेन ख़रीदना होगा। सिंपली अगर आपने ख़रीद लिया तो वेल एंड गुड, नहीं ख़रीदा तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको 1 ईयर का डोमेन 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है एंड सिंपली आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको जाना है बेसिक्स में। बेसिक में जाने के बाद ये देखिए, ये देखिए ब्लॉग एड्रेस सेट अ थर्ड पार्टी यूआरएल, इसको ऐड उस पर क्लिक करके आपने अपना यहाँ पे डोमेन डाल देना है फिर www। मेरा डोमेन ये है, तो इसको कर देना ऐसे करके सेव। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये देगा ये नेम, लेबल, होस्ट, फील्ड, डेस्टिनेशन, टारगेट पॉइंट। अब आपको करना क्या है, आपने कहीं जैसे कहीं से भी खरीदा हो अपना डोमेन, जहाँ से भी खरीदा हो, गो डैडी हो, नेम चीप हो, बिग रॉक हो, कहीं से भी खरीदा हो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अपने जहाँ से भी डोमेन खरीदा हो उसके मैनेज डीएनएस में, जिस भी डोमेन को आप रीडायरेक्ट लगाना चाहते हैं। तो हमने जाना है मैनेज डीएनएस, डोमेन्स में डीएनएस होगा, मैनेज डोमेन्स होता है या मैनेज डीएनएस लिखा होता है, तो दोनों एक ही बात है। ये देखिए मैनेज फ्रीडम डीएनएस, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये www करके कॉपी देन नेम वाली फील्ड में पेस्ट, टाइप में डाल देना अपने सी नेम एंड टारगेट में डाल देना GHS, ये वाला पेस्ट। इसके बाद आपने ये वाला सेम ऐसे ही करना है, कॉपी देन मोर रिकॉर्ड देन इसका कॉपी देन पेस्ट। देन इसके बाद आपको करना क्या है, इधर जाना है, ये देखिए व्यू सेटिंग इंस्ट्रक्शंस में, इसमें गए, ये देखिए 4 IP आपको दे देगा, एड योर 4A रिकॉर्ड, एड 4A रिकॉर्ड्स विच पॉइंट्स टू गूगल आई पी, इसको आपको चारों को अपने उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, ये सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी इसमें डालना है अपने ऐड द रेट और इसमें सीधा टारगेट, ये हमारा सेव हुआ नहीं था तो मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ, कॉपी मोर रिकॉर्ड टीम, बस आपको सिंपली कर देना है सेव। अब इसके बाद सेव करने के बाद आपको रुकना पड़ेगा एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स आपको रुकना पड़ेगा, देन उसी के बाद हम इसमें कर सकते हैं, ये डोमेन रीडायरेक्ट हो पाएगा वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए भी आ जाएगा, वी हैव नॉट एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस में, तो आपको 10 to 15 मिनट्स वेट करना है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा डोमेन लग चुका है, 10 मिनट्स बीत चुके हैं एंड हमारा डोमेन लग चुका है। अब हमने करना क्या है, सीधा इस पे जाना है एडिट पे एंड रीडायरेक्ट लगा देना है हमने डिजिटल, इस पे रीडायरेक्ट डिजिटल ज्ञान टिकट टू www.digitalgyan.tk, तो इसको सेव कर देना है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप रीडायरेक्ट लगा देंगे तो ये व्यू ब्लॉक पे करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। कई बार खुल जाती है वेबसाइट, कई बार 10 to 20 मिनट्स लगते हैं, तो मेरा वेबसाइट खुल चुकी है। बट आपको अगर 10 to 20 मिनट्स लग भी जाएँ तो आप वेट कीजिएगा, आपका भी रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।